इसका एक अच्छा घोल बना लेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई गांठ नहीं है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से घोल बना दें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा दूध बॉईल हो चुका है तो हम इसे ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं पूरा डाल दी और इसे हम लगातार चलाएंगे फ्रेंड्स, नहीं तो इसका गुठली बन जाएगा। देखिए इसे लगातार चलाना पड़ेगा फटाफट से। देखिए, और जितना गाढ़ा चाहिए उसके हिसाब से आप इसे पका सकते हैं। वैसे तो दूध पक गया है, लेकिन अगर गाढ़ा चाहिए तो ज़्यादा टाइम तक पका सकते हैं। और सो फ्रेंड्स, अभी हमारा पुडिंग बनके रेडी हो गया है तो हम इसे गैस से उतार लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद में हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो चलिए हम इसे नॉर्मली ठंडा करते हैं, उसके बाद में फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि गर्मी के दिन में पुडिंग ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं ठंड के दिन में क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप लोग गेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारे यहाँ 12 महीने गर्मी रहती है, अभी भी गर्मी है, तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ। अभी गर्मी लग रही है, इसके वजह से मैंने पुडिंग बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर में रहने देते हैं, उसके बाद में फ्रिज में रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारा पुडिंग बनके तैयार है और नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है। तो इसके बाद फ्रेंड्स, हम हमारे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल होंगे या फ्रेश फ्रूट अवेलेबल होंगे तो उसे स्लाइस पे या छोटे छोटे टुकड़े पे काट करके सर्व कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी कुछ है नहीं, केवल मेरे पास बनान है। तो चलिए मैं इसे सर्व कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसे फ्रिज में रखेंगे और ये खाने के लिए रेडी है और ठंडा हो जाएगा थोड़ा, तो खाने में और अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा सिंपल पुडिंग बनाने का तरीका आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़रूर ट्राई करें। ये गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। और यही पुडिंग से फ्रेंड्स हम फालूदा भी बना सकते हैं। तो फालूदा के लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि ये सिंपल पुडिंग से हम फालूदा कैसे बनाते हैं, क्या क्या ऐड करते हैं और क्या करते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।